स्टूडेंट्स, आपने हिंदी का पार्ट 4 पढ़ा समझा। लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसी पार्ट से संबंधित उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 की एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारा है दिए गए वाक्यों में उचित शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट है, तुम्हारा दिन कितने से कटता है। अब इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए, एक तो मजे लिखा है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, मेज। तो अपन इसमें क्या फिल करेंगे, मजे। तो आप सेंटेंस देगी और सही फिल हो गया, तुम्हारा दिन कितने मजे से कटता है। क्या आया हमारा, मजे। मेज तो आएगा नहीं हमारा। नंबर 2 देखिए आप, जल्दी खेत 2 बीज बोने हैं। अब इसमें आप देखिए, एक तो आपका क्या लिखा है, बो, दूसरा क्या लिखा है, जोत। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे, जोत। अब जोत फिल करने के बाद आप सेंटेंस देखिए हमारा सही रीड हो रहा है क्या, जल्दी खेत जोत 2 बीज बोने हैं। करेक्ट सेंटेंस बन गया हमारा, हमारा इसमें क्या आया, जोत। नंबर 3, यह तो परिश्रम का काम है। ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए, कठिन और सरल। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे, कठिन। अब कठिन फिल करने के बाद आप सेंटेंस को देखिए कैसे रीड कर रहे हैं हम, यहाँ तो कठिन परिश्रम का काम है। सही रीड कर रहे हैं ना सेंटेंस, हमारा क्या आया इसमें, कठिन। नंबर 4, मैंने दिन भर किया। अब क्या आएगा इस ऑप्शन देखिए, एक तो क्या लिखा है, आराम, दूसरा क्या लिखा है, नाम। तो इसमें हमारा क्या आएगा, आराम। तो हम आराम फिल करने के बाद सेंटेंस को कैसे रीड करेंगे हम, मैंने दिन भर आराम किया। सही सेंटेंस बना हमारा। नंबर 5, धीमे क्यों रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमारे क्या क्या ऑप्शन दिए, चाल दिया है और एक क्या दिया है, चल। तो हमारा इसमें क्या आएगा, चल। हम क्या फिल करेंगे, चल। तो चल फिल करने के बाद आप सेंटेंस रीड करेंगे, धीमे क्यों चल रहे हो। सही सेंटेंस बन गया ना। नंबर लास्ट अब देखिए, तुमने अच्छा सुझाया। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है हमारा, एक तो उपाय लिखा है, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, तरकीब। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे, उपाय। उपाय फिल करने के बाद हम सेंटेंस कैसे रीड करेंगे, तुमने अच्छा उपाय सुझाया। सही सेंटेंस बन गया हमारा। आगे है हमारा, सही वाक्य के सामने राइट और गलत वाक्य के सामने क्रॉस चिन्ह लगाइए। यहाँ पे आपको राइट और क्रॉस का चिन्ह लगाना है। जो सेंटेंस हमारा सही होगा उसमें राइट का निशान लगाएंगे, और जो सेंटेंस हमारा गलत होगा उसमें हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। तो आपने चैप्टर रीड किया है, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा सही है और कौन सा सेंटेंस हमारा गलत है। तो नंबर 1 है हमारा, बेल सुबह से शाम तक काम करता था। आपने चैप्टर में रीड किया ही है कि बेल सुबह से शाम तक काम करता था, तो ये तो सही सेंटेंस है। तो इस पे हम काय का टिक लगाएंगे, राइट का। नंबर 2, गधा बहुत परिश्रमी था। परिश्रमी माने क्या होता है, मेहनती। तो गधा बहुत मेहनती था, नो, गधा तो बहुत आलसी था, वो तो काम चोर था। मेहनती तो कौन था, बेल। तो ये तो गलत है, तो हम इस पे काय का टिक लगाएंगे, क्रॉस का। नंबर 3, बेल के बीमार होने पर गधे को खेत पर काम करना पड़ा। ये सही है, जब बेल बीमार हुआ, मतलब कि उसने जो भी नाटक किया हो बीमारी का, तो कौन गया काम के लिए, गधा ही तो गया था। तो हम इस पे किस पर टिक लगाएंगे, राइट का। ये सेंटेंस हमारा राइट है। नंबर 4, डर कर बेल ने बीमार होने का नाटक छोड़ दिया। ये सही बात है, तो
हमने चैप्टर रीड किए ही है कि डरकर बैल ने बीमार होने का नाटक छोड़ दिया। हाँ ये तो सही है, तो हम इस पे राइट का साइन लगाएंगे। लास्ट है, किसान ने बैल को बेच दिया। किसान ने बैल को बेचा था? नो, किसान ने तो बैल को नहीं बेचा था, तो हम इस पे किसका टिक लगाएंगे? क्रॉस का। आपके राइट और रॉन्ग पूरे कंप्लीट हो गए। आगे है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन सही है उस पे हम राइट का साइन लगाएंगे। नंबर वन, बैल और गधा कहाँ रहते थे? पशुशाला में रहते थे कि खेत में रहते थे कि जंगल में रहते थे? ये तो पशुशाला में ही रहते थे, तो हम किस पर टिक लगाएंगे? पशुशाला में। नंबर टू, बैल की जगह काम करने कौन गया? गाय गया कि गधा गया कि घोड़ा गया? बैल की जगह काम करने कौन गया? गधा, तो हम किस पे टिक लगाएंगे? गधे पे। नंबर थ्री, किसान ने बैल को किसे बेचने के लिए कहा? बेटे को, कसाई को कि दूसरे किसान को? किसे बेचने के लिए कहा? कसाई को, हम किस पे टिक लगाएंगे? कसाई पर।